हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी ट्रिक्स फॉर 20। डेली मैथ्स ट्रिक में आपका स्वागत है। आज एक नई ट्रिक के साथ नए वीडियो में आपका स्वागत है। और यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर पे एक क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल टायर टू में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको आप पहले खुद से करने की कोशिश करिए। अगर स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा वहाँ से करिए, तभी आप वीडियो उसके बाद देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर अमाउंट टू 330 रुपीज़। इफ दे स्पेंड 80%, 85%, 75% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनकम, देयर सेविंग आर एज 7:6:9, द सैलरी ऑफ पी इज। ए बी और सी का वेतन एक साथ 330 रुपये है। यदि वे अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं तो उनके बचत 7:6:9 में आते हैं। और बी का वेतन ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले देखिए आपका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो हमको पता है कि इनकम जो होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के होता है, ठीक है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेविंग, बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:6:9। इसको आप लिख लीजिए, 7:6:9 आपका बचत का अनुपात दिया है, ठीक है। और टोटल आय कितनी दी हुई है, 333। इतनी चीज़ें हमको दी है। फिर कह रहा है कि इसके जो आय है, इनकम है, वो 80%, 85% और 75% खर्च करता है एक्सपेंडिचर पे, 80%। अब 80% का मतलब क्या होता है, अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो 4/5। अब इस 4/5 को समझिएगा ज़रा। 80% अगर आप अपनी इनकम का खर्च करता है, मतलब कि 5 रुपये अगर उसकी इनकम है तो 4 रुपये वो खर्च करता है, ठीक है। 5 रुपये अगर उसकी इनकम है, 4 रुपये अगर एक्सपेंडिचर में जा रहा है, खर्च हो रहा है, तो कितना बचेगा बताइए हमको, 1 रुपया बचेगा, ठीक। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि 80% को 4/5, 1 रुपया, और 1 रुपया बचत हो रहा है, मतलब 5 रुपये अगर खर्च हो रहा है तो 1 रुपया बच रहा है। तो 1 रुपया किसके बराबर है, 7 के बराबर यहाँ पे बचत दिया हुआ है। अगर 1 7 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर होगा, 35 के बराबर, इसकी इनकम 35 हो गई, ठीक है। इसी तरह से 85% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 17/20 आएगा, और 17/20 मतलब 20 रुपये इनकम है तो 17 रुपये खर्च होगा, तो 3 रुपये की बचत होगी। तो 3 6 के बराबर है तो 20 40 के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह से 75% को फ्रैक्शन में बदलोगे भिन्न में तो 3/4 आएगा, 1 रुपया बचत हो रहा है, 1 रुपया किसके बराबर है, 9 रुपये के, तो 4 रुपये किसके बराबर है, 36 रुपये के, ठीक है। मतलब ये 4 रुपये इसकी इनकम है, 3 रुपये खर्च हो रहा है, 1 रुपया बच रहा है, 1 रुपया बच रहा है, 1 रुपया बच रहा है, मतलब 9 के बराबर है, हमने बचत देखा है यहाँ पे 9 लिखा है। उसके बाद तो 4 रुपये जो इनकम हो किसके बराबर होगा, तो 1:299, 4×9=36। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। ये भिन्न में बदल के आप इस चीज़ को, लैंग्वेज को समझेंगे तो आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने निकाल लिया 35, 40 और 36, ये तीनों का इनकम है, ठीक। इसको हमने जोड़ा कितना है, 111, लेकिन दिया कितना है, 333। 111 333 के बराबर, 1 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1 3 के बराबर हो गया। अब 1 3 के बराबर हो गया तो आप सैलरी ऑफ बी, बी की सैलरी निकालनी है, तो 40×3 120 आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, शायद आपको इससे क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है ये, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी इज 16:12:9 एंड देयर टोटल इनकम इज 1530 रुपीज़। फाइंड द शेयर ऑफ बीज इनकम इफ दे सेव 20%, 25%, 40% ऑफ देयर इनकम। ए बी सी खर्च का अनुपात इतना है, कुल आय 1530 रुपये है, और उनकी बचत जो है वो 20%, 25%, 40%। तो यहाँ पे अनुपात दिया हुआ, खर्च का अनुपात दिया हमने लिखा 16:12:9, और उसके बाद बचत जो दिया वो 20%, उसके बाद 25%, 40%। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 मतलब कि 5 रुपये अगर इनकम है, 1 रुपया खर्च बचा रहा है तो 4 रुपये उसका खर्च हो जाएगा, ठीक है। यही तो लिखा है, 5 रुपये अगर वो इनकम है, 1 रुपया खर्च कर रहा है तो 1 रुपया बचा रहा है तो 4 रुपये उसकी इनकम हो जाएगी, वो एक्सपेंडिचर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अगर कह रहा है कि 20% वो बचत कर रहा है, 20% किसका कर रहा है, अपनी इनकम में से कर रहा है ना, तो मतलब 1/5 अगर 5 रुपये उसकी आय है, 1 रुपया बचा रहा है, तो खर्च कितना हुआ, 4 रुपया, ठीक है। लेकिन खर्च हमको कितना दिया, 16 रुपया, तो 4 16 के बराबर है, 4 6 16, ठीक है। तो 5 किसके बराबर होगा, 5 6 20। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये लाइन हमने कैसे लिखी है।
इसी तरह से 25% मतलब 1/4, 4 रुपये अगर इनकम है, 1 रुपया बचा रहा है तो 3 रुपये उसका खर्च होगा। और तो 3 किसके बराबर है, 12, ये दिया हुआ है, 3 चौक 12, तो 4 किसके बराबर होगा, 16। इसी तरह से 2/5 आपका 40% 2/5 होता है, सबको पता होता है। और अगर 5 रुपये आपकी इनकम है, 2 रुपये आप बचा रहे हो, तो 3 रुपया जाहिर सी बात है खर्च हो रहा होगा। और 3 3 9 दिया हुआ है, तो 5 3 15, तो 20 16 और 15 ये हमने इनकम निकाल ली। इसको जोड़ोगे अगर आप, तो यहाँ से जोड़ने के बाद आपको निकलेगा 51 रुपये। और 51 रुपये कुल आय जो दी हुई है 1530 रुपये, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 30 के बराबर। तो बी की इनकम बतानी है, तो 16 3 48, 480 रुपये। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन जिसको सॉल्व करिए, अगर आपके समझ में आ गया, इसको आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।